स्टूडेंट होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू दी एजुकेटर। सबसे पहले आपने अपने पेज दी एजुकेटर इसको लॉग इन करना है और अपने सब्जेक्ट इंग्लिश को क्लिक करना है। आई एम टेकिंग इंग्लिश सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास टू। आप देख सकते हैं आज हमारे पास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, तो हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे और उसके इंडेक्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश के इंडेक्स में यूनिट वन के एवरग्रीन चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा एवरग्रीन है। देखें क्या कह रहा है। दी एवरग्रीन सर सब्स वार्मअप। वार्मअप में क्या कह रहा है, नेम ऑफ यू ट्रीज, कुछ दरख्तों के नाम। व्हाट हैपेंस टू द लीव इन ऑटम, फिजा में पत्तों के साथ क्या होता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ ट्रीज गिविंग बिलो, नीचे दी गई तस्वीर को देखिए। दे नेवर लूज देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा साल में अपने पत्ते नहीं खोते। दैट्स इज वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसी वजह से वो एवरग्रीन कहलाते हैं। आइए हम नेम पढ़ते हैं पिक्चर्स की। क्या पिक्चर से देखें, ये जो ट्री की पिक्चर है इसका नाम है सीडर। दूसरी जो पिक्चर है इसका नाम है पाइन ट्री। तीसरी है फायर ट्री और फोर्थ वन है ओका ट्री। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 13 पर और रीड करते हैं। लिखा है लेट्स रीड, आओ पढ़ें। अ प्रीटी बर्ड सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक खूबसूरत परिंदा अपने दरख्त के शाख पर बैठा हुआ था। She loved her beautiful wings, वो अपने खूबसूरत परिंदों से बहुत मोहब्बत करती थी। The proud bird began to laugh loudly at a simple little mouse that passed by, परिंदा फख्र करते हुए जोर से हंसने लगा चूहा जो वहाँ से गुजर रहा था। देखिए क्या कह रहा है, एक खूबसूरत परिंदा दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था और वो अपने खूबसूरत परिंदों से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो फख्र करते हुए ज़ोर से हंसने लगा एक छोटे चूहे पर जो वहाँ से गुजरा था। Whom are you laughing at, तुम किस पर हंस रहे हो, asked the mouse, चूहे ने पूछा। At you, तुम पर। You ugly thing, एक बेकार सी चीज़। See my lovely wings, देखो मेरे खूबसूरत पर। She said, flapping her wings, उसने अपने परों को उड़ाते हुए कहा। She flew high up in the clouds, वो हवा में आसमान पे बादलों में ऊपर उड़ गया। Then come down gracefully to glide over house top, और फिर आराम से उतरा एक घर की छत पर। क्या कह रहा है, Whom are you laughing at, asked the mouse, चूहे ने पूछा तुम किस पर हंस रहे हो। At you, तुम पर। Ugly thing, you ugly thing, एक बेकार सी चीज़। See my lovely wings, देखो मेरे खूबसूरत पर। She said, flapping her wings, उसने अपने परों को हिलाते हुए कहा। She flew high up in the clouds, और वो बादलों में ऊपर उड़ गया। देन कम डाउन ग्रेसफुली टू ग्लाइड ओवर हाउस टॉप, और फिर आराम से वो उतरा एक घर की छत पर। हम आगे पढ़ते हैं। सडनली शी डैश अगेंस्ट अ चीनी मिनी एंड ब्रोक अ विंग, अचानक से वो चीनी मिनी से टकरा गया और अपने पर खो दिया। शी कुड नॉट लॉन्गर फ्लाई एंड हैड टू होप होम, वो अब ज़्यादा लंबा नहीं उड़ सकता था और घर जाने की उम्मीद कर रहा था। विंटर केम, सर्दियाँ आ गईं। ऑल अदर बर्ड्स फ्लू अवे टू वार्मर प्लेसेस, तमाम परिंदे गर्म इलाकों की तरफ जगहों पर चले गए। बट द बर्ड विद द ब्रोकन विंग होप फ्रॉम ट्री टू ट्री फॉर शेल्टर, लेकिन परिंदा अपने फूटे परों के साथ ये उम्मीद कर रहा था दरख्तों से, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर शेल्टर कहते हैं घर के लिए। शी आस्क्ड द ओका ट्री, उसने ओका दरख्त से कहा। प्लीज मे आई स्टे इन योर ब्रांचेस टिल स्प्रिंग कम्स, उसने कहा मेहरबानी करके क्या मैं आपकी शाखों पर रह सकता हूँ जब तक बाहर नहीं आ सकती। आई हैव अ ब्रोकन विंग, मेरा टूटे हुए पर हैं। आउट यू गो, यहाँ से चले जाओ, शाउटेड द ओका, ओका ने चिल्ला कर कहा। आई कैन नॉट अलाउ स्ट्रेंज बर्ड्स टू लीव हियर, मैं अजनबी परिंदों को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। द विलो ट्री टू रिफ्यूज टू लेट हर स्टे, विलो टू ने भी उसे इनकार कर दिया यहाँ रुकने के लिए। आई शेल डाई ऑफ कोल्ड, मैं सर्दी से मर जाऊँगा, सेड द लिटिल बर्ड सैडली, छोटे परिंदे ने अफसोस से कहा। द लिटिल माउस एट होम शी हैड लाफ वॉज वॉचिंग हर, छोटा चूहा जिस पर वो हंसा था वो उसे देख रहा था। गॉड ऑलवेज पनिश द प्राउड, अल्लाह ताला हमेशा गरूर करने वालों को सजा देता है। ही सैड, उसने कहा। एज ही मूव्ड अवे, और वो वहाँ से चला गया। देखिए क्या कह रहा है स्टोरी में, आप देख सकते हैं ये एक प्रीटी बर्ड है जिसे अपने परों पे बहुत नाज है और ये एक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ है। वो अपने परों पे गुरूर करता है और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा चूहा है और उस पर हंसता है जब वो वहाँ से गुजर रहा होता है।
यू अगली थिंग, बेकार सी थिंग, यानी कहता है कि तुम एक बेकार सी चीज़ हो, और अपने पर खोलता है, ओढ़ के दिखाता है इसे। और फिर वो जब नीचे आने लगता है घर की छत पर, तो अचानक वो एक चाइनी मिनी से टकरा जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। अब वो लंबा, आप देख सकते हैं इसमें, देखें ये टकरा गया, अब उसके पैर टूट गए, अब वो ज़्यादा लंबा नहीं उठ सकता और घर जाने की उम्मीद करता है। सर्दियाँ आ जाती हैं और तमाम परिंदे गर्म जगहों की तरफ चले जाती हैं, लेकिन परिंदा अपने टूटे हुए परों के साथ एक घर से, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर घर की तलाश में निकलता है। वो ओका तीर से पूछता है तो वो उसे मना कर देता है और चिल्लाता है कि नहीं, मैं अजनबी को इजाज़त नहीं देता कि मेरे दरख्त पर रुकें। फिर विलो ट्री भी उसे इनकार कर देता है, फिर कहता है कि मैं तो सर्दी से मर जाऊंगा। अफसरदा हो जाता है बेचारा परिंदा, आप देख सकते हैं। फिर वो माउस जिस पर वो हंसा था, वो उसे कहता है अल्लाह ताला फ़क्र और गरूर करने वालों को हमेशा सज़ा देता है, और वो कहता है वहाँ से चले जाता है। अब हम पेज नंबर 12-14 पर रीडिंग करेंगे, और कहता है द लिटिल बर्ड वॉज नाउ अशेम एंड सॉरी फॉर बिगेन सो प्राउड एंड रूड। छोटा परिंदा अब शर्मिंदा था और माफ़ी मांग रहा था अपने बुरे रवैये और फ़कर पर। शी हेयर्ड अ वॉइस फ्रॉम द फॉरेस्ट सेइंग, उसने जंगलात से आवाज़ सुनी, लिटिल बर्ड, छोटे परिंदे, आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फाइंड अ पाइन ट्री, फाइंड अ पाइन ट्री, फाइन ट्री को तलाश करो, इट विल हेल्प यू, वो तुम्हें मदद करेगा। द बर्ड होप एंड होप टिल शी फाउंड अ पाइन ट्री, छोटा परिंदा उम्मीद और उम्मीद जब तक उसने पाइन ट्री को तलाश नहीं कर लिया। शी टोल्ड द पाइन ट्री हर स्टोरी, उसने पाइन ट्री को अपनी पूरी स्टोरी बता दी। डोंट वरी, फिकर नहीं करो, जस्ट होप इन टू माई ब्रांचेस, और मेरी शाखों पर उम्मीद रखो, एंड रेस्ट और आराम करो, सेट द काइंड ट्री, रहम दिल दरख्त ने कहा। द फायर ट्री हु स्टूड नियर बी, फायर ट्री जो उसके बराबर में ही खड़ा था, विस्पियर्ड, कहा आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आई सेवन, मैं तुम्हें सर्द हवाओं में घर दूंगा। द जंपियर कॉल्ड आउट, जंपियर ने कहा कम ईट माई बेरीज वैन यू आर हंग्री, जब तुम भूखे हो तो आना मेरी बेरियाँ खाना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, किंग विंटर टोल्ड द नॉर्थ विंड, सर किंग विंटर ने नॉर्थ विंड से कहा, एज इट शॉक द लीव्स ऑफ ट्रीज, जैसे ही पत्ते गिरने लगेंगे, लेट्स द पाइन फायर एंड जंपियन ट्रीज कीप देयर ड्रेसेस ऑफ ग्रीन, वैसे ही पाइन फायर और जंपियन ट्री ने अपने पत्तों को फहरा दिया। दे वर काइंड टू द लिटिल बर्ड, वो रहम दिल थे किसके लिए, छोटे परिंदे के लिए। देखें आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लिटिल बर्ड दरख्तों पे बैठा हुआ है, वो कितने काइंड है ना, इस परिंदे के लिए रहम दिल है। दैट्स इज़ वाई द पाइन फायर एंड जंपियर आर कॉल्ड एवरग्रीन, जिसकी वजह से पाइन फायर और जंपियर ट्री हमेशा सरसब्ज रहते हैं। देखें बेटा हमने क्या सीखा इस स्टोरी में, कि परिंदा गरूर करता है तो अल्लाह ताला इसे सजा देता है, फिर जब ये अफसरदा और माफ़ी मांगता है अपने इस बुरे रवैये पर तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है, और फिर जंगलों से उसे आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है जाओ पाइन ट्री को तलाश करो। जब वो पाइन ट्री के पास जाता है और अपनी स्टोरी बताता है तो वो कहता है कोई बात नहीं, फिकर की कोई बात नहीं है, तुम मेरी शाखों पर भरोसा रखो और आराम करो। बराबर में ही फायर ट्री खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सर्द हवाओं में घर दूंगा, और उसके बराबर में जंपियर उसे कहता है जब तुम्हें भूख लगे तो तुम मेरी बेरियाँ खा लेना। अगले दिन किंग विंटर नॉर्थ वाइन से कहता है जब दरख्तों के पत्ते गिरने लगेंगे तो पाइन फायर और जंपियर ट्रीज अपने पत्तों को फैला देंगे, वो किसके लिए, इस छोटे परिंदों के लिए रहम दिल थे, और इसलिए वो क्या कहलाते हैं, पाइन जंपियर और फायर ट्री एवरग्रीन कहलाते हैं। इसने जब माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने इसे माफ़ कर दिया और पाइन और जंपियर इसके लिए रहम दिल रहे, और वो उन्होंने उसके घर दिया अपने दरख्त के। देखें आप देख सकते हैं ये ऊपर रह रहा है और वो बेरियाँ खाता था इन दरख्तों की। तो हमें दूसरों के लिए अपने दिल में रहम रखना चाहिए, कभी भी अपनी चीज़ों पर, किसी भी चीज़ पर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। ये आज हमारा चैप्टर था एवरग्रीन, जिसकी हमने रीडिंग की है, आप भी अपने घर में इसकी रीडिंग करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।